निर्गमन अध्याय 12। निर्गमन अध्याय 12। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इसराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के दसवें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सब से निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हरेक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इसराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लोहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमनों को खाएंगे उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा व जल में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ बिहान तक न रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे पूर्ति से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूं, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लोहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लोहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होगे, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। सात दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उसमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर उठा डालना। वरन जो कोई पहले दिन से लेकर सातवें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए वह प्राणी इसराइलियों में से नाश किया जाए, और पहले दिन एक पवित्र सभा और सातवें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम न किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दलदल करके मिस्र देश से निकाल दिया है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अखमीरी रोटी खाया करना। सात दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न रहे, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए चाहे वह देशी हो चाहे परदेशी, वह प्राणी इसराइलियों की मंडली से नाश किया जाए, और कोई खमीरी वस्तु न खाना। अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। तब मूसा ने इसराइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो, और फसह का पशु बलि करना, और उसका लोहू जो तसले में होगा उसमें जुफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लोहू के द्वार के चौखट के सिरे और दोनों
अलंगों पर कुछ लगाना और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लोह को देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो, जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब वह काम किया करना। और जब तुम्हारे लड़के वाले तुमसे पूछे कि इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना कि यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इसराइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की और इसराइलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसके अनुसार किया। और ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पहलौठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इसराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। और मिस्री जो कहते थे कि हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इसराइली लोगों पर दबाव डालकर कहा कि देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गुंधे गुंधाए आटे को बिना खमीर दिए ही कठौतियों समेत कपड़ों में बांध के अपने अपने कंधे पर डाल लिया। और इसराइलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इसराइलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। तब इसराइली रामसेस से कूच करके सुक्कोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 600,000 पुरुष प्यादे थे और उनके साथ मिलीजुली हुई एक भीड़ गई और भेड़ बकरी, गाय बैल, बहुत से पशु भी गए। और जो गुंधा आटा वे मिस्र से साथ ले आए उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकल गए कि उन्हें अवसर भी न मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। इसी कारण वह गुंधा हुआ आटा बिना खमीर का था। मिस्र में बसे हुए इसराइलियों को 430 वर्ष बीत गए थे और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। यहोवा इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के अति योग्य है। यह यहोवा की वही रात है जिसका पीढ़ी पीढ़ी से मानना इसराइलियों के लिए अति अवश्य है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि यह है कि कोई परदेशी उसमें से न खाए, पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो वह तो उसमें से खा सकेगा, पर परदेशी और मजदूर उसमें से न खाए। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर न ले जाना और बलि पशु की कोई हड्डी न तोड़ना। पर्व का मानना इस्राएल की सारी मंडली का कर्तव्य कर्म है
और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मनाना चाहे तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए, तब वह समीप आकर उसको माने और वह देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा, पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से न खाने पाए। उसकी व्यवस्था देशी और तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही हो। यह आज्ञा जो यहोवा ने मूसा और हारून को दी उसके अनुसार सारे इस्राएलियों ने किया, और ठीक उसी दिन यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से दल दल करके निकाल ले गया।